आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्वाति मालीवाल की ओर से की गई एफआईआर पर दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है और पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज दोपहर सीएम आवास से हिरासत में ले लिया और फिर कुछ देर बाद विभव कुमार की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई। विभव कुमार ने आज 30,000 कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई होती उससे पहले ही केजरीवाल के पीए गिरफ्तार हो गए। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस विभव कुमार की तलाश कर रही थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला कि विभव कुमार दिल्ली में ही हैं और वो भी सीएम आवास में मौजूद है। दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार को पकड़ने के लिए सीएम आवास पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें स्वाति मालीवाल के मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। आखिर इतना वक्त क्यों लगा हिरासत में? क्यों केजरीवाल जी उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे? ये ताज्जुब की बात नहीं है कि विभव सीएम रेसिडेंस में यानी कि सुल्तान साहब के शीश महल में आराम करते हुए पकड़े गए हैं, यानी कि केजरीवाल जी उनको अब तक संरक्षण दे रहे थे। ये दिल्ली के शाहजहां हैं। जिस तरह से संदेश खाली में आपने देखा था ममता जी से संरक्षण दे रही थी, ये वही हाल दिल्ली का है और बाकायदा बचाया जा रहा है। ये साफ जाहिर है कि केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन्हीं के कहने पर विभव ने ये मारपीट और बदसलूकी की है। सोचिए, इतने संगीन इल्जाम लगे हैं, मारपीट की बात आई है सामने, उसके मेडिकल रिकॉर्ड भी सामने आ गए हैं आज, जिसमें साफ तौर से जाहिर है कि वो जो घाव हैं वो पूरे जिस्म में है और थप्पड़ जो मारा गया था उसके निशान अभी तक हैं और उसको बचाया जा रहा है, उस इंसान को। और जो महिला जो बाकायदा उनकी पुरानी साथी, 20 साल पुरानी साथी है, उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, उसके बारे में भद्दी भद्दी बातें कही जा रही हैं, झूठ मूठ के वीडियोस तोड़ मरोड़ के किए जा रहे हैं। ये वीडियोस कहां थे? पहले दिन 13 मई को, 14 मई को ये वीडियोस कहां थे? लेकिन जब पुलिस पहुंची स्वाति मालीवाल के पास ये जानने के लिए उसकी तबीयत कैसी है, वो सुरक्षित है कि नहीं, और जब उसका बयान दर्ज हुआ है और जब एफआईआर आई है, तो मैंने पहले ही कहा था इस तरह के वीडियो आने लगेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी का ये पूरा टूलकिट है, ये पूरा उनका एपरेटस है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति मालीवाल के बाएं पैर, दाहिनी आंख, चेहरे और सिर पर चोट लगने की पुष्टि हुई। स्वाति शुक्रवार को मेडिकल जांच कराने एम्स पहुंची थी। बीते दिनों उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर पेट, छाती और दूसरे अंगों पर हमला करने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री आवास से सामने आए वीडियो में सुरक्षा कर्मी स्वाति मालीवाल को बाहर ले जाते हुए देखे जा रहे हैं। ये वीडियो 13 मई का है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।